करवा चौथ का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो वह पंजाबी समाज की महिलाओं के द्वारा स्पेशल पूजा करके इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। पंजाबी समाज की महिलाएं चांद का दीदार करने से पहले मंदिर में इकट्ठा होकर स्पेशल पूजा करती हैं। मुरादाबाद में भी करवा चौथ के त्यौहार को पंजाबी समाज ने स्पेशल बनाया। सभी महिलाएं सज धज कर इकट्ठा हुई और करवा माता के समीप बैठकर उनकी पूजा की। महिलाओं ने इकट्ठा होकर करवा चौथ की कथा सुनी और फिर करवा बदला। 7 बार ऐसे ही थाली को आपस में घुमाकर इसे मनाया गया, तो वहीं पूजा संपन्न होने के बाद महिलाओं ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, साथ ही बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लिया। महिलाओं ने बताया कि अब चांद को देखकर सभी महिलाएं व्रत पूरा करेंगी और पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोलेंगी। महिलाओं ने बताया कि साल भर इस त्यौहार को मनाने के लिए महिलाएं इंतजार करती हैं और सुबह से ही निर्जल व्रत रखकर करवा चौथ के त्यौहार को मनाती हैं। महिलाओं ने बताया कि आज के दिन ही भगवान गणेश और माता करवा की पूजा की जाती है तथा उनसे पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम वनीता मल्होत्रा है। किस तरह से सेलिब्रेट किया है आपने? हम लोग सब यहाँ पंजाबी हैं और हमारे पंजाबी समाज में जो करवा चौथ है बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग मंदिर में एकत्रित होके यहाँ पे कथा सुनते हैं, थाली घुमाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसमें हमारी करवा माता की पूजा होती है, जिसे हम फल प्रसाद अर्पण करते हैं और पूजा कथा समाप्त होने के बाद हम लोग एक दूसरे का आशीर्वाद बड़ों का देते हैं और जो अपने साथी हैं उन्हें प्यार और स्नेह देके पूजा का समापन करते हैं। इसके बाद मंदिर से इसके बाद हम लोग चांद का इंतज़ार करते हैं। चांद जब निकलता है तो हम लोग चांद को देख के पति की पूजा करते हैं, चांद को अर्घ देते हैं और फिर अपना व्रत जो है तोड़ते हैं। करवा चौथ का जो फेस्टिवल है, मेरा नाम सुमन धवन है। ये पंजाबियों में करवा चौथ का एक प्रमुख त्यौहार है जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, बड़ी श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। आज किस तरह से मनाया है यहाँ पर? हम सब शाम के समय मंदिर में आती हैं, करवा बटाती हैं, थालियाँ बटाती हैं, फिर उसके बाद चंद्रमा को देख के अर्घ देंगे और फिर जल ग्रहण करेंगे। जी मेरा नाम अंजलि है। अच्छा, किस तरह से सेलिब्रेशन चल रहा है आज आपका? जी ये करवा चौथ का व्रत है जिसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूरे देश में करवा चौथ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बट पंजाबियों में इसका एक अलग ही महत्व है और उसे अलग ढंग से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मंदिर में या किसी के घर में काफ़ी सारी औरतें इकट्ठी होकर एक ग्रुप में पूजा करते हैं और एक कथा सुनते हैं और इस तरह से हम लोग पूजा का समर्पण। इसके बाद क्या होता है यहाँ के बाद? इसके बाद फिर हम लोग घर पे जाएंगे। घर जाकर हम इंतज़ार करते हैं चंद्रमा का और जब चंद्रमा दिखाई देंगे फिर हम उनको अर्घ देकर पूजा करते हैं उनकी और उसके बाद ही हम लोग जल ग्रहण करते हैं। 4 बजे शुरू होता है, 4:30 बजे, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया राहु काल के चक्कर में। बाकी ऐसे ही बनाते हैं, इसे करवा बटाना कहते हैं। आज क्या क्या किया गया? वही सरगी खाते हैं सुबह के टाइम, उसके बाद जब दिन चढ़ने से पहले सरगी खाते हैं, उसके बाद फिर 4:30 ये हमारी पूजा होती है। उसके बाद जिसने कुछ खाना चाहे वैसे तो खाते नहीं हैं, उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देके तभी कुछ देते हैं।